हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल 6000 विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 जुलाई ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफ तत्व चिंतन आईपीओ, ग्लैनमार्क लाइफ साइंसेज आईपीओ एंड रोलेक्स रिंग्स आईपीओ। इन तीनों आईपीओ की दोस्तों करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। कितना जीएमपी आपको इन तीनों आईपीओ का चलता हुआ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे किस आईपीओ में कितना जीएमपी में उछाल आपको देखने को मिला है, तो इस वीडियो में हम मेनली इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल द शेयर बाज़ार। ये दोस्तों चैनल आज ही क्रिएट किया है मैंने और इस पर वीडियो भी आउट हो चुकी है। यहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेगी स्टॉक मार्केट रिलेटेड। एक और आज एक पहला वीडियो देखिए मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप ये भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए, अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आपको ग्रे मार्केट में हम दिखाता हूँ तत्व चिंतन आईपीओ का। तो फ्रेंड्स, 25 जुलाई 2021 के हिसाब से जो आपको करंट जीएमपी चलता हुआ देखने को मिलेगा तत्व चिंतन आईपीओ का, वो 1040 से 1050 रुपीज़ के आसपास चलता हुआ देखने को मिल रहा है। 1000 रुपये आपको ऊपर यहाँ पे करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है, जो डेफिनेटली अपने आप में दिखाता है कि कितना बढ़िया ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे आपको मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड डेफिनेटली अलॉटमेंट आपको कल आता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट आ जाता है तो आप मान के चलिए आपके यहाँ से कम 2 गुना आपको होता हुआ देखने को मिलेगा, 2 टाइम्स आपका पैसा यहाँ पे आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। एंड जिस तरह से आईपीओ का जीएमपी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद और धमाका करता हुआ नजर आए। 1083 इशू प्राइस है और कल आपको इसका अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, तो उसको भी आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो याद रखिएगा, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स आपको फिर से बता देता हूँ तत्व चिंतन आईपीओ की। याद रखिए, आपको कल इसका अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा, यानी जिन लोगों ने भी लगाया है उनको कल अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा 26 जुलाई 2021। अगर आपको अलॉटमेंट कल नहीं आएगा तो 27 तक आपके पैसे आपके खाते में फिर आपको आते हुए देखने को मिल जाएंगे, यानी जो आपका अमाउंट ब्लॉक है वो फिर से अनब्लॉक होता हुआ देखने को मिल जाएगा। जो डीमैट में आपके जो डीमैट में आपके जो शेयर्स है वो 28 जुलाई को आपको आते हुए देखने को मिलेंगे और 29 को ये आपको एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है अबाउट तत्व चिंतन, याद रखिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे ग्लैनमार्क लाइफ साइंसेज के आईपीओ के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ग्लैनमार्क लाइफ साइंसेज का आईपीओ का जो जीएमपी चल रहा है 25 जुलाई के यहाँ पे आसपास, आपको देखिए 140 रुपये के आसपास आपको जीएमपी चलता हुआ देखने को मिलेगा। 140 रुपीज़ जीएमपी डेफिनेटली ज़्यादा नहीं है, आपको यहाँ पे ज़्यादा जीएमपी चलता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है इसका, ये लगातार हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन कल से एक राइज़ आपको यहाँ पे देखने को मिला है, 120 रुपये के आसपास का चल रहा था, 140 हो गया, यानी 20 रुपये के आसपास आपको जीएमपी के अंदर उछाल देखने को मिला है। जिनको नहीं पता है ग्लैनमार्क लाइफ साइंसेज का आईपीओ कब खुलने वाला है, ये आपको जो ग्लैनमार्क लाइफ साइंसेज का आईपीओ है वो आपको देखिए ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है 27 जुलाई को। 27 जुलाई को ये आईपीओ आपको ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 29 जुलाई 2021 को ये आईपीओ बंद हो जाएगा। एंड बुक बिल टाइप इशू आईपीओ है, फ्रेश इशू ऑफ अप टू देखिए 1060 करोड़ है, जो ऑफर फॉर सेल आपको मिलेंगे जो करीबन 453 करोड़ है, और आईपीओ की साइज़ जो रखी गई है वो 1513 करोड़ के आसपास रखी गई है। 2 रुपये फेस वैल्यू प्रति शेयर यहाँ पे रखी जाएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक फार्मास्यूटिकल ब्रांड की कंपनी है ग्लैनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, इनकी पैरेंट कंपनी है, यह आप जानी मानी कंपनीज में से एक है। अब इसकी एक और सब्सिडरी आपको मार्केट में आती हुई देखने को मिलेगी। बिजनेस मॉड्यूल साफ साफ बढ़िया दिखता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी आप नज़र डालेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, इसके बारे में पहले से सब कुछ बता चुका हूँ आपको। तो यही कि आप छोटे लिस्टिंग गेंस के लिए डेफिनेटली लगा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लगाना है तो बिल्कुल इसमें आप एप्लीकेशन लगाइएगा और आपको छोटे मोटे लिस्टिंग गेने काफ़ी कमा के देख जाएगा। 695 से 720 प्रति शेयर यहाँ पे देखिए प्राइस बैंड रखा गया है। 20 शेयर्स आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे, जो BSE NSE दोनों पे आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं ग्लैनमार्क लाइफ साइंसेज के बारे में। आईपीओ ये लिस्ट होगा 6 अगस्त को, 3 अगस्त को अलॉटमेंट है, लेकिन उससे पहले 27 जुलाई को आपको एप्लीकेशन लगाना है, 27 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में। दोस्तों हमने बात कर ली ग्लैनमार्क लाइफ साइंसेज के बारे में, तत्व चिंतन के बारे में, आखिरी आईपीओ रोलेक्स रिंग्स के ऊपर हम यहाँ पे देखते हैं कि कितना जीएमपी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, रोलेक्स रिंग्स एक और शानदार कंपनी आपको मार्केट में आती हुई देखने को मिलने वाली है यहाँ पे, जिसका जीएमपी आपको देखने को मिलेगा करीबन 550 रुपये के आसपास चलता हुआ देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, ये एक फोर्जिंग कंपनी है जो आपको मार्केट में आती हुई देखने को मिलने वाली है अगले हफ्ते। 2 आईपीओज आएंगे,
पहला ग्लेनमार्क का एंड दूसरा आपको रोलेक्स रिंग्स आईपीओ यहाँ पे आता हुआ देखने को मिलेगा। ये दो आईपीओ अगले हफ्ते और जुलाई के आखिरी आईपीओ है ये दोनों, जो आपको अगले हफ्ते बाजार में खुलते हुए देखने को मिलेंगे। और जीएमपी से हमको साफ साफ ये देखने को मिल रहा है कि बढ़िया जीएमपी के साथ साथ ये शेयर बढ़िया करेगा। अभी तक कंपनी की तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन आउट नहीं हुई है जो हमको ज़रूरी देखने के लिए, बट कंपनी ने अभी तक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आउट नहीं करी है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है कि रोलेक्स रिंग एक ऐसी कंपनी है जो टॉप 5 फोर्जिंग कंपनीज में से एक है इंडिया में, और मैन्युफैक्चरर है और ग्लोबल सप्लायर है हॉट रोल फोर्ज मशीन्स की। और ये आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में फैली हुई है सिवाय इंडिया के, बहुत ज़्यादा अदर कंपनीज़ में भी इनका देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, काम करती हुई देखने को मिलती है। इनके आउटलेट्स अगर इंडिया में बात करें तो आपको यहाँ पे जो आउटलेट्स देखने को मिलते हैं इंडिया में वो यहाँ पे हैं राजकोट के अंदर ये इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स है। बट सबसे बड़ी बात जो आप कंपनी देखेंगे एस पर ICRA रिपोर्ट, SKF इंडिया, स्कैल्फर इंडिया, टिमकिन इंडिया लिमिटेड, NEI एंड NRB कलेक्टिवली अकाउंट फॉर 81% इन द इंडियन मार्केट शेयर ऑफ इंडियन बियरिंग इंडस्ट्री। इट इज़ वन ऑफ द की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बियरिंग रिंग्स इन इंडिया एंड कैरर टू मोस्ट ऑफ द लीडिंग बियरिंग कंपनीज इन इंडिया। तो सबसे बड़ी बात 81% इन कंपनीज का यहाँ पे मार्केट शेयर है। बाकी सब मार्केट शेयर आप देखिए यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है वो रोलेक्स रिंग्स का देखने को मिलता है। अनडाउटेडली बढ़िया कंपनीज में से एक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक जगह काम करती हुई देखने को मिलती है, काफ़ी सेगमेंट्स में इनका काम फैला हुआ है। आपको देखने को मिलेगा ऑटोमोटिव सेगमेंट्स में ये कंपनी 2-व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ऑफ वे व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, विंड टर्बाइंस, रेलवेज अमॉन्ग्स अदर सेगमेंट्स, तो इसमें काम करती हुई देखने को मिलती है। तो अनडाउटेडली कंपनी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रही है बाहर से, और बिल्कुल यही है कि आपको इस IPO में तो आग बन करके लगा देना है। अगर हम बात करें तो देखिए 70 करोड़ के आसपास का अभी इशू दिखा रहा है, और आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी 28 जुलाई को मार्केट में एंटर करेगी, 30 जुलाई को ये IPO बंद हो जाएगा। लेकिन अभी तक IPO की जो फुल डिटेल्स होती है वो पब्लिश नहीं की गई है। फ्रेश इशू 70 करोड़ से ज़्यादा का भी हो सकता है आपको, और करीबन 65 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफर फॉर सेल में दिए जाएंगे। IPO की साइज़ भी अभी तक तय नहीं है, मतलब उसको पता नहीं कि कितने शेयर्स आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन फेस वैल्यू जो रखी गई है वो 10 रुपये प्रति शेयर रखी गई है। और अभी तक जब प्राइस बैंड नहीं आया तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि GMP 550 रुपये किस हिसाब से आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है, तो अभी हमको ये पता नहीं है। लेकिन जो पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी वो ऑलमोस्ट आपको कल रिलीज होती हुई नजर आ जाएगी, मंडे तक या IPO की सारी इन्फॉर्मेशन रिलीज हो जाएगी, या फिर मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक या फिर आज देर रात में आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दी जाएगी, तो उसके बारे में और आगे आपको बताऊंगा। लेकिन ऑलमोस्ट यही है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ साथ अगर हम यहाँ पे चेकआउट भी करते हैं तो वो बहुत बढ़िया है। कंपनी के EPS यानी अर्निंग पर शेयर अगर आप नजर डालेंगे तो देखिए वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अर्निंग पर शेयर आपको लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, बुक वैल्यू जो है कंपनी की वो लगातार यहाँ पे आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो ऑलमोस्ट हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि ये कंपनी बढ़िया काम कर रही है। जो 10 रुपये प्रति अर्निंग शेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो पहले 2017-18 में 30 रुपये के आसपास था, तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे ठीक ठाक चलता हुआ देखने को मिल रहा है। करीबन इक्विटी शेयर्स आप देखने को मिलेगा आपको जो यहाँ पे रिलीज होंगे वो होंगे 2 करोड़ 40 लाख के आसपास, यहाँ पे आपको देखिए इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर होंगे। बट ऑलमोस्ट मुझे यही कहना है कि देखिए जिस के PE मल्टीपल पे कंपनी मिल रही है 81 के, जो बाकी कंपनी मिलती है आपको PE मल्टीपल्स पे, जैसे भारत फोर्ज हो गया, रामकृष्ण फोर्जिंग्स हो गई, MM फोर्जिंग्स हो गई, तो ये कंपनी ठीक ठाक देखिए PE मल्टीपल्स पे मिल रही है, तो बिल्कुल ये कंपनी के अंदर मेरी लगाने की सलाह है। और बढ़िया यहाँ पे लिस्टिंग गेन आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है, फिर कह सकते हैं तगड़े लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपको लगाना है तो डेफिनेटली इस IPO को आपको प्लेस करना है, इस IPO के अंदर आपको पैसा लगाना है, अपना एप्लीकेशन लगानी है, आना ना आना वो बात की बात है, बट ऑलमोस्ट डेफिनेटली बढ़िया IPO आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से नए जुड़े हैं उनको सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।